अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहत सरफराज और आप देख रहे हैं राहबर ट्रेनिंग सर्विसेज। फैब्रिक टेस्टिंग के हवाले से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का टेस्ट काउंट का है, लीनियर डेंसिटी यानी काउंट ऑफ थ्रेड रिमूव्ड फ्रॉम फैब्रिक, यानी कि जो हमें स्वैच मिलते हैं या फैब्रिक मिलता है उससे काउंट मालूम करने का तरीका। मेथड ISO 7211-5 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो काउंट है वो कंडीशन फैब्रिक का किया जाता है, कंडीशन करना है फैब्रिक को 24 आवर। उसके बाद जिसकी साइडें हमने रेवल कर लेनी, जिस साइड का थ्रेड लेना है, हम सबसे पहले वार्प साइड का थ्रेड निकाल कर उसका काउंट करेंगे, तो वार्प साइड को रेवल कर लेंगे। मेथड के मुताबिक 50 धागे लेने होते हैं और इनकी लंबाई भी तकरीबन 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन टाइम शॉर्टेज है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ 10 धागे निकाल रहा हूँ और लेंथ भी तकरीबन 10 सेंटीमीटर ही लूँगा। धागे निकालने के बाद इनको काउंट कर लेंगे, इसके बाद इनका 5 डिजिट स्केल हमारे पास है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आए, इस पे हम वेट कर लेंगे। मिलीग्राम्स में वेट है, यानी कि जो भी पॉइंट्स में वेट होगा उसको नोट करेंगे, 0.0409 ग्राम्स। वेट करने के बाद एक धागे का हम लेंथ करेंगे, लेंथ करने के लिए हम धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि जो इसमें क्रिम्स हैं वो ना हो। ये तकरीबन 11.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई है। लेंथ मालूम करने के बाद हम फार्मूले की मदद से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्क्रीन पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, तमाम वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट करके इसकी जो काउंट है इसका वो निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ थ्रेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ थ्रेड मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट 0.00591 होल डिवाइडेड बाय वेट 0.0409। 16.76 सिंगल इसका काउंट है। इसी तरह हम वेफ्ट के धागे निकालेंगे, वेफ्ट के धागे निकालने के बाद 5 डिजिट स्केल पर इसका वेट करेंगे, वेट करने के बाद लेंथ करेंगे क्रिम्स फ्री करके थोड़ा सा टेंशन देके, और उसके बाद फार्मूले में पुट करके वैल्यूज़ इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और काउंट निकाल लेंगे। आपको एक मतलब फिर बताता चलूँ कि धागे जो हैं वो 50 लेने हैं और इनकी लंबाई भी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वार्प का काउंट 2 मरतबा परफॉर्म करना है और वेफ्ट का काउंट 5 मरतबा परफॉर्म करना है मुख्तलिफ जगहों से एज पर स्टैंडर्ड। धागे को कन्फर्म कर लें ट्विस्ट करके कि डबल तो नहीं है, अगर 2 धागे हैं तो फिर काउंट डबल लिखेंगे, अगर 1 ही धागा है तो काउंट को सिंगल लिखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।